नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं शिवम लेकर हाजिर हूं आज की प्राइम डिबेट। विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों ने अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए और राजनीतिक दल यूपी में जिस तुरुप के इक्के का इस्तेमाल करते हैं या जिस तरह से उसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी जातिगत वोट बैंक, उसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। चाहे बीजेपी हो या फिर सपा, बसपा या कांग्रेस, जाति धर्म से सबका प्रेम जग जाहिर है और ये प्रेम चुनाव से ठीक पहले ऐसा उमड़ता है कि देखने वाले देखते रह जाते हैं और सोचने वाले सोचते रह जाते हैं। राजधानी लखनऊ में सीएम योगी डॉक्टर अंबेडकर की 25 फुट ऊंची मूर्ति स्थापित करवाएंगे। अब ये बीजेपी का डॉक्टर अंबेडकर के प्रति प्रेम है या फिर बीजेपी की नज़र दलित वोट बैंक पर है, जो भी हो, दलितों के लिए बीजेपी के इस प्यार भरे कदम से बसपा सुप्रीमो मायावती की परेशानी जरूर बढ़ने वाली है। आप ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद हम आज की चर्चा शुरू करेंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति की एक बहुत ही उम्दा खासियत है, यहां का कोई भी चुनाव धर्म और जाति के बगैर नहीं हो सकता है। राजनीतिक दल चाहकर भी अपना मुंह धर्म और जाति से अलग नहीं कर पाते हैं और जो करने की कोशिश करता है वो सत्ता से ही दूर हो जाता है। हर राजनीतिक दल का अपना कोर वोट बैंक है। जैसे बीजेपी को सवर्णों का वोट मिल जाता है तो समाजवादी पार्टी को यादवों और मुसलमानों का, बसपा का कोर वोट बैंक दलित है तो कांग्रेस भी बचे हुए वोट बैंक में सेंध लगाने में कामयाब हो ही जाती है। कोर वोट बैंक की एक खासियत यह है कि वो 5 साल कहीं भी भटके लेकिन चुनाव के समय वो अपने पुराने दल के साथ आकर उसकी नया पार लगा देता है। और ये बात राजनीतिक दलों को भी मालूम है कि उनके कोर वोटर्स को एक बैसाखी की जरूरत होती है, भले ही वो बैसाखी चुनाव बाद हवा में दिखे लेकिन वोटर्स को दिखती जरूर है। ऐसे ही थोड़ी ना यूपी में जातियों को आधार बनाकर राजनीतिक दलों का निर्माण हो जाता है। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अभी से तैयारियां तेज कर दी हैं और अपने जमीनी वोटर्स को तो रिझाने में लगी ही हैं, साथ ही दूसरे दलों के कोर वोटर्स पर भी डोरे डाले जा रहे हैं। अगर 2022 का चुनाव जीत भी जाएं तो ये नया विश्व रिकॉर्ड कायम कर दें। ये बात सिर्फ एक राजनीतिक दल के दिमाग में ही नहीं आती बल्कि सबके सब राजनीति के दिग्गज अपने वोटर्स के साथ दूसरे दलों में सेंध लगाने की तैयारी कर बैठे हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चल रही बीजेपी सरकार संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक बड़ी प्रतिमा लखनऊ में स्थापित करवाने जा रही है। इसे यूपी विधानसभा चुनाव के पहले बहुजन समाज पार्टी को करारा झटका देने की रणनीति माना जा रहा है। इसके पहले बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने 2007 की अपनी सरकार में परिवर्तन स्थल का निर्माण कराया था। इसमें डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति को लगाया गया था। लखनऊ के ऐशबाग क्षेत्र में होने वाले अंबेडकर कल्चरल सेंटर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ये मूर्ति लगभग 25 फुट ऊंची होगी। इसमें डॉक्टर अंबेडकर से जुड़ी कई वस्तुओं को प्रदर्शन के लिए रखा जाएगा। इसमें एक पुस्तकालय की भी स्थापना कराने की योजना है। दरअसल बसपा सुप्रीमो लगातार बीजेपी पर यह आरोप लगाती रही है कि बीजेपी दलितों की उपेक्षा करती है। लगता है बस यही बात बीजेपी के दिल में चुभ गई। और बीजेपी तो पुरानी सियासी खिलाड़ी है, बीजेपी ने भी कमर कस ली है कि अब वो दलितों पर इतना फोकस करेगी कि दलित वोट बैंक को ही अपनी ओर मोड़ लेगी। बस फिर क्या, राजधानी लखनऊ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के निर्माण को मिल गई है हरी झंडी। यूपी की राजनीति में ये कोई नई बात नहीं है। इसके पहले भी 2007 के विधानसभा चुनाव में मायावती ने सतीश चंद्र मिश्र के साथ मिलकर सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला अपनाया था, जिसके चलते बसपा को बड़ी संख्या में सवर्णों का वोट हासिल हुआ था और बसपा ने 30.43% वोट हासिल किया, साथ ही 206 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बड़ी बात यह है कि 16 साल बाद किसी राजनीतिक दल को यूपी में पूर्ण बहुमत की सत्ता मिली थी। चलिए एक नजर डाल लेते हैं 2007, 2012, 2017 में किस राजनीतिक दल को कितने वोट मिले और कितनी सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की। वर्ष 2007 के चुनावी नतीजे।
बसपा 403 सीटों पर चुनाव लड़ी और 206 सीटों पर उसने जीत दर्ज की। मत फीसद की बात की जाए तो 30.43% बसपा को वोट मिला था। सपा 393 सीटों पर लड़ी और जीत उसने दर्ज की 97 सीटों पर। मत फीसद की बात की जाए तो सपा को 26.07% मत मिला था। बीजेपी 350 सीटों पर चुनाव लड़ी, 51 सीटों पे उसने जीत दर्ज की, 19.62% उसको मत मिला था। कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस 393 सीटों पर चुनाव लड़ी, 22 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। वहीं मत प्रतिशत की बात की जाए तो वोट 8.84% कांग्रेस को मिला था। वर्ष 2012 के चुनावी नतीजे, सपा 401 सीट पर चुनाव लड़ी थी और 224 सीटों पर उसने शानदार जीत हासिल की थी। मत फीसद की बात की जाए तो 29.13 मत फीसद सपा को मिला था। बसपा 403 सीटों पर चुनाव लड़ी और सिर्फ 80 सीट ही जीत पाई, 25.91% मत बसपा को मिला था। बीजेपी 398 सीटों पर चुनाव लड़ी और 47 सीट ही जीत पाई, 15% मत फीसद बीजेपी के खाते में गया था। कांग्रेस 355 सीटों पर चुनाव लड़ी और सिर्फ 28 सीटों पर सिमट कर रह गई। मत फीसद की बात की जाए तो कांग्रेस को 11.65% वोट मिला था। वर्ष 2017 के चुनावी नतीजे, बीजेपी 384 सीटों पर चुनाव लड़ी और सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई, 312 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की और 39.67% बीजेपी को मत मिला था। सपा 311 सीटों पर चुनाव लड़ी और सिर्फ 47 सीट जीत सकी, 21.82% मत जो है वो सपा की झोली में गया था। बसपा 403 सीटों पर चुनाव लड़ी और सिर्फ 19 सीटों पर सिमट कर रह गई, 22.23% बसपा के खाते में वोट गया था। कांग्रेस 114 सीटों पर चुनाव लड़ी और सिर्फ 7 सीटें ही जीत सकी। वोट प्रतिशत की बात की जाए तो कांग्रेस की झोली में 6.25% मत गया था। तो देखा आपने, बस अब 2022 के चुनाव में बीजेपी भी इसी सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला लागू करके दलित वोट हासिल करना चाहती है। बस 2007 से 2022 में इतना ही बदला है कि इस बार फॉर्मूला विलोम के रूप में लागू किया जा रहा है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जाति की राजनीति राजनीतिक दलों के दिमाग में साफ उभरी हुई दिखाई दे रही है। अजय सिन्हा की रिपोर्ट, प्राइम टीवी। चुनाव नजदीक आते ही इस तरह के फैसले और इस तरह की गतिविधियां, सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा इस तरह के फैसले लेना कोई नई बात नहीं। लेकिन जिस समाज का हितैषी बनने की पार्टियां या सरकारें बात करती, क्या उन समाजों को उतना फायदा मिल पाता है? आज का हमारा सवाल यही है। लेकिन आज चर्चा शुरू करें उससे पहले मैं अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए आकाश राय जी जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कपी श्रीवास्तव भी जुड़ चुके हैं। अभी कुछ ही देर में हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक दिलीप यशवर्धन भी जुड़ेंगे और सामाजिक चिंतक डॉक्टर राजेश प्रजापति भी कुछ ही देर में हमारे साथ मौजूद होंगे। आकाश राय जी, पहला सवाल आप ही से है, बसपा सुप्रीमो मायावती ने क्या कम मूर्तियां लगवाई थी जो अब 25 फीट की डॉक्टर अंबेडकर जी की इस तरह की मूर्ति का ऐलान, आपको क्या लगता है? नहीं देखिए, मायावती जी ने जो किया, क्या किया, वो एक अलग चर्चा का विषय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने महापुरुषों को अपने तरीके से सम्मान देना चाहती है, सम्मान करती है। और हमने सिर्फ अंबेडकर जी नहीं, इसके पहले आपने देखा कि स्टेचू ऑफ यूनिटी, जो विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति, हमने उसको बनाया। आज जो है अयोध्या में राम जी की मूर्ति बनाने का काम चल रहा है। उसके अलावा अगर हम लखनऊ में अंबेडकर जी की मूर्ति बना रहे हैं, तो इसमें देखिए, आप लोग मीडिया के लोग हैं, आप लोग ये बात कर सकते हैं कि दलित वोटों के लिए हम ये कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए, आज हम उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की अगर बात की जाए तो बसपा ने अपने कार्यकाल में तमाम सारी मूर्तियां लगवाई,
डॉक्टर अंबेडकर की भी तमाम सारी मूर्तियां लगवाई, लेकिन अब क्या मूर्तियों की कमी हो गई जो अब आप भी इस तरह की मूर्ति लगवाना चाह रहे हैं? क्या ये जातिगत राजनीति नहीं है? आप तो विकास का वादा करते थे, विकास नहीं, की बात करते थे। हम विकास की ही बात करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी का मेन फोकस विकास ही होता है, डेवलपमेंट ही हमारा मेन फोकस है, लेकिन अपने महापुरुषों लेकिन को चुनाव के सम्मानित नजदीक करने का आते एक ही इस सबका तरह की अपना खबर। तरीका होता है। और अगर हम डॉक्टर भीमराव, मुझे लगता है मायावती जी ने कोई भी ऐसी मूर्ति नहीं लगवाई है लखनऊ में जो 25 फीट की होगी, तो ये एक अच्छी पहल है और इसका सबको स्वागत करना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जी इस देश के महापुरुष रहे हैं, संविधान के निर्माता हैं वो, और उनका सम्मान जो है कोई जाति या धर्म से जोड़ के इसको हम नहीं देख सकते, वो सबके हैं। और भारतीय जनता पार्टी इन सब चीजों से परे है, हम ये नहीं कहते कि लोहिया जी समाजवादी के तरीके से कि लोहिया जी हमारे यहाँ बाकी नहीं है, या अंबेडकर जी हमारे यहाँ बसपा कहती और बाकी नहीं है। हमारे लिए जिन लोगों ने भी इस देश के लिए अच्छा किया है, जो इस देश की बेहतरी के लिए करके गए हैं, जो महापुरुष लोग हैं, उन सबका सम्मान करते हैं, और इसको जाति से जोड़ के देखना मुझे लगता है ये उचित नहीं होगा। कपीश श्रीवास्तव जी, 25 फीट की मूर्ति लगने जा रही है, आपकी सरकार अगर सत्ता में आती है तो 35 फीट की मूर्ति हमें देखने को मिलेगी क्या? हम बात इस चीज की है कि अगर मूर्तियां बनाने से या बड़ी मूर्तियां बनाने से कोई किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व तो बड़ा होगा तो ऐसा नहीं। देखिए, अंबेडकर जी का शाश्वत व्यक्तित्व तो रहा, और उनका व्यक्तित्व तो इतना बड़ा है कि अगर 1000 फीट की भी मूर्ति बना दी जाए इस देश के अंदर, तो अंबेडकर जी के लिए वो मूर्ति कोई मायने नहीं रखती, उनकी प्रतिभा के आगे, उनके द्वारा इस देश के लिए जो किया गया, और दबे कुचले के लिए जो सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक रूप से उनको सशक्तिकरण देने के लिए उनके द्वारा काम किया गया, बचपन से लेकर के पूरी जवानी और मृत्यु पर्यंत उन्होंने शोषित समाज के लिए काम किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अच्छा लगता है कि जब भारतीय जनता पार्टी अंबेडकर साहब की मूर्ति बनाने की बात करती है, उसका कारण यह कि जब आप इतिहास की गहराई में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि सावरकर साहब, गोलवरकर साहब, इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के तो नहीं थे, लेकिन क्योंकि ये उनकी आइडियोलॉजी को लेके चलते हैं, ये अपने महान पुरुष बताते हैं, वीर सावरकर कहते हैं, जिन्होंने 6 बार अंग्रेजों से माफी मांगी थी और 60 रुपए पेंशन उठाते थे, तो उन वो जो है वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अगेंस्ट खड़े हुए मिलते हैं। जब आप भारतीय इतिहास का दर्शन करेंगे, आकाश भाई भी कर ले, हमें तो अच्छा लगता है, हमें अच्छा लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब को रिकॉग्नाइज कर रही है अब कि नहीं, बाबा साहब एक ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति थे जिनका मूर्ति बनना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, आप 25 फीट की बनवाइए, और कोई राजनीतिक दल चाहेगा तो 35 फीट की भी बनवा देगा, 125 फीट की बनवा, लेकिन उससे बाबा साहब का व्यक्तित्व न छोटा होगा न बड़ा होगा। बाबा साहब का व्यक्तित्व इतना बड़ा है कि वो किसी मूर्ति का गुलाम नहीं है, एक चीज। और ये देश की जनता बहुत अच्छे से जानती, अरे भारतीय जनता पार्टी के पास अपने महापुरुष तो है नहीं। पहले तो उन्होंने 2 महापुरुषों के बीच में लड़ाई लगवाई और उसके बाद अपने बैठ करके ताली बजाई, भाई कभी नेहरू को पटेल से लड़ा दिया, वो भी आपके नहीं थे, दोनों कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस में नेहरू पटेल का कभी कोई विवाद नहीं रहा। तो सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि पटेल साहब की आपने यूनिटी बना दी मूर्ति, बहुत अच्छी बात, एक सावरकर साहब की भी बना लेते, एक 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 जो है वो हेडवकर साहब की भी बना लेते, और कम से कम दीनदयाल उपाध्याय जी की तो बनाई देनी चाहिए थी, बहुत अच्छी बात है, नहीं बना पा रहे हैं, अब पता नहीं क्यों नहीं बना पा रहे हैं, ये तो आकाश भाई बताएंगे, और इनको अन्य लोगों को बनाना पड़ रहा है जिनको पूरा देश पहले ही से रिकग्नाइज कर रहा था, जिनका ये विरोध करते थे आइडियोलॉजी का। इन्होंने देश का संविधान जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का दिया उसको ये मानने के लिए तैयार नहीं थे, आकाश जी क्योंकि आप अभी देखिए इस नहीं, देश मैं बात आ तिरंगा रही है। को अपनाने में इन्हें 65 साल लग गए, 65 साल, और आज भी ये कहते हैं कि देश का संविधान अच्छा नहीं बना, हम तो इसमें संशोधन करा देंगे, और ये बार नहीं, बार नहीं, इस पर मांग लेते मैं हैं। जवाब मैं जवाब देना आरक्षण पर चाहूंगा डिस्कशन इनका, की मांग मोहन भागवत इन्होंने के कहा माध्यम कि से करते मूर्ति रहे, लगाने से व्यक्तित्व हम बड़ा जो या पावर छोटा ढूंढ नहीं हो रहे हैं जाता, मैं भी मानता उसी हूँ की बात कर रही है, जिन लोगों का व्यक्तित्व जो इतना विराट आर्थिक रहा हो तो राजनीतिक मूर्ति रूप लगाने से से निश्चित तौर पे पिछड़ा है और सभी उससे जी, कोई कपीश फर्क नहीं साहब जी पड़ता हम है, जाएंगे, इसके कोई आप विरोध जरा होता जवाब है। भी सुन लीजिए। नहीं, वो एक प्रतीक होता है, और मैं कपीश जी से ये पूछना चाहूंगा कि जनेश्वर मिश्र पार्क में इन्होंने माननीय जनेश्वर मिश्र जी की मूर्ति लगवाई है, तो क्या वो गलत इन्होंने किया क्या?
सब लोग अपने अपने तरीके से अपने महापुरुषों को एक प्रकार से हम श्रद्धांजलि कह लें या उनको जो है अपने तरीके से सम्मानित करने की बात कर लें या चर्चा हमारी है, तो हम अगर उनकी मूर्ति लगवा रहे हैं तो आपको क्या समस्या है? आप भी लगवाइए, अगर आप मूर्ति लगवाना चाहते हैं किसी की, आप अपने लोहिया जी की मूर्ति लगवाए, जनेश्वर जी की लगवाए या अन्य किसी भी महापुरुष की लगवाए, हम उसका स्वागत करेंगे। अगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का अगर मूर्ति लग रही है तो इसमें आप लोगों को स्वागत करना चाहिए, इसमें समस्या क्या है? और और जो इन्होंने बात कहा कि जो है नेहरू जी और जो है सावरकर और अम्बेडकर जी और ये इतिहास में चले गए, तो कपिल जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के साथ इन्होंने गठबंधन किया था 17 के चुनाव में, और क्या ये कपिल जी और आकाश जी, मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि हमारे जो दो मेहमान हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। मैं अपने दर्शकों से उनका परिचय करा दूं, आधा मिनट लूंगा अपनी बात पूरी कर लूं, मैं आधा मिनट लूंगा अपनी बात पूरी कर लूं। इन्होंने जब इतिहास की बात की तो ये जो इन्होंने गठबंधन किया था कांग्रेस पार्टी के साथ, तो क्या इतिहास के पन्नों में ये दर्ज नहीं है कि जो 1952 का पहला आम चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस पार्टी ने नेहरू जी ने डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर जी के खिलाफ अपना प्रत्याशी लड़ाया था कि नहीं लड़ाया था? इनसे पूछिए कि ये सत्य है कि नहीं सत्य है, और बिल्कुल ये सवाल भी पूछा जाए, पूछा जाएगा। मैं अपने मेहमानों से परिचय करा दूं जी। सब इंडियन नेशनल कांग्रेस से ही निकले। कपीश जी, मैं आपसे बार बार आग्रह कर रहा हूं, मैं अपने मेहमानों का परिचय कराना चाहता हूं। इस वक्त हमारे साथ जो हमारे बाकी बच्चे जो दो मेहमान थे वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक दिलीप यशवर्धन जी। दिलीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही साथ हमारे साथ सामाजिक चिंतक डॉक्टर राजेश प्रजापति भी जुड़ चुके हैं। राजेश प्रजापति जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दिलीप जी, सबसे पहले मैं आपका एक कमेंट चाहूँगा। आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 25 फुट की डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगवाने का ऐलान किया गया, क्या देखते हैं आप? शिवम जी, अगर मैं संविधान की बात करूं या संवैधानिक जिम्मेदारियों की बात करूं या सामाजिक नज़रिए की बात करूं, तो हर वो महान व्यक्तित्व जिसने इस देश के लिए कंट्रीब्यूट किया है किसी भी रूप में जी, उसको पूरा सम्मान मिलना चाहिए, उसका प्रतीक लगना चाहिए और जन जन तक उसके आइडियोलॉजी को पहुँचना चाहिए। लेकिन ये जो मूर्तियाँ लगाने की एक दौड़ सी चली हुई है सारी राजनीतिक पार्टियों में, ये इसलिए नहीं चली हुई है कि उनकी आइडियोलॉजी लोगों तक पहुँचानी है, ये इसलिए चली हुई है कि उन महान लोगों को एक जातिगत घेरे में बांध दिया गया है कि इनकी जाति के थे, ये इनकी जाति के थे, और उस जाति के लोगों को लुभाने के लिए ये मूर्तियाँ लगाने की कवायद लोगों में शुरू हो गई है। मैं ये कहता हूँ कि जिस व्यक्ति ने इस देश के डेवलपमेंट के लिए, किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी जाति की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हर वो व्यक्ति जिसने देश या जाति या प्रजाति के डेवलपमेंट की बात कही वो अल्टीमेटली देश के डेवलपमेंट की बात कही, तो हर वो व्यक्ति जिसने देश के डेवलपमेंट की बात कही या देश के डेवलपमेंट के लिए कॉन्ट्रीब्यूट किया या अपनी जान दी इस देश की आज़ादी के लिए, क्या उसने ये करने से पहले कंडीशन लगाई थी कि जब मैं ना रहूँ तो मेरे विचारों को लेकर के आप 25 फीट की, 45 फीट की, 100 फीट की मूर्तियां खड़ी कर दीजिए? मेरा यह कहना है कि अगर आप उनके विचारों को जिंदा रखना चाहते हैं तो प्रतीकात्मक आप उनकी मूर्तियों को चाहे 1 फीट का लगाइए चाहे 100 फीट का लगाइए, लेकिन जो पैसा इन मूर्तियों के लगाने पे खर्चा होता है उन पैसे से बहुत सारे और सामाजिक कार्य किए जा सकते हैं, समाज का भला किया जा सकता है। आप सामाजिक नजरिए से अगर चलेंगे तो किसी की मूर्ति कभी कहीं नहीं लगाएंगे, लेकिन नजरिया हमेशा राजनीति सवालों के घेरे में है कि जिस पैसे से विकास हो सकता था उस पैसे को आप मूर्ति में एक तरह से बर्बाद कर रहे हैं कह सकते हैं, लेकिन जिस राह पर आप समाजवादी पार्टी को चलते हुए कहते थे कि वो एम्बाई फैक्टर पे काम कर रहे हैं, वो मुस्लिमों और यादवों की बात करते हैं, आप भी चुनाव नज़दीक आते ही उसी तरह के पास से फेंक रहे हैं। आकाश जी, मेरी आवाज़ आ रही है? सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया SC/ST एक्ट के मामले में, हमने हमने उसको उसको अध्यादेश ला के पलटा। हमने इसलिए नहीं पलटा कि हमको वोट की राजनीति करनी थी या जातिगत समीकरण साधना था। हमें आज भी कहीं ना कहीं ये लगा कि नहीं, जो इन लोगों के साथ जो अन्याय होता चला आया उसमें बड़ी कमी आई है, लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पे इस प्रकार की घटनाएं होती रहती कोई है, कमी नहीं आई। तो अभी ये आपका अपना नजरिया है, कोई कमी नहीं आई है। अब उसके अलावा हम मूर्ति, अगर मान लीजिए हम एक मूर्ति लगवा रहे हैं, अगर अभी जो समाज की बेहतरी के लिए और क्या क्या किया, क्या किया आपकी सरकार ने पिछले 4.5 साल में? आप जाके उत्तर प्रदेश के किसी भी गांव में जाके देखिए, जिस प्रकार से हमने शौचालय से लेके
आवास से लेके, उसके अलावा उज्ज्वला योजना से लेके, बिजली पहुंचाने से लेके, उसके अलावा स्वास्थ्य के मामले में जो भी काम, जो हमारा, देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो अभी यहाँ पे कई प्रकार की बातें हुई, जो हमारा दर्शन है, जो दलित समाज के उत्थान के लिए क्या किया, नहीं नहीं मैं समाज के लिए ही बता रहा हूँ, मैं दलित समाज के लिए ही बता रहा हूँ, जो हमारा सिद्धांत है एकात्म मानववाद का, जो अंत्योदय का सिद्धांत है, तो जो पंक्ति में सबसे पीछे खड़ा हुआ व्यक्ति है उस तक सरकार की सारी योजनाएं पहुंचे, ये हमारी कोशिश होती है। और जो भी उत्तर प्रदेश में आप किसी भी, मैं कोई एक पर्टिकुलर जिले की बात नहीं करता हूँ, 75 जिले हैं, आप किसी भी जिले में जाइए, किसी भी गांव में जाके देखिए, सबसे ज्यादा अगर हमने काम किया है तो दलित वर्ग में हमने काम किया है। और इस चीज की समझ दलितों में, जो दलित लोग हैं, हालांकि मैं इस शब्द को उचित नहीं मानता हूँ, लेकिन फिर भी ये बार बार शब्द यूज किया जाता है, तो हमने सबसे ज्यादा काम उनके बीच किया है और आगे भी कर रहे हैं। और उनके लिए जो भी, आप सोचिए कि मैंने अभी कई चीजें आपको गिनाई, कि चाहे शौचालय की बात हो, आवास की बात हो, जो जिन भी चीजों से ये लोग वंचित रहते थे, आज उनको उनका हक हम देने का काम कर रहे हैं। उसके अलावा आप सोचिए कि जो अत्याचार इन पे होते थे उस पर हमने काम किया, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, किस प्रकार से एक तरफा गुंडई होती थी, इन लोगों के FIR तक नहीं लिखे जाते थे थाने में, लेकिन आज हमारी सरकार है, कोई भी व्यक्ति कितना से बड़ा अपराधी हो, कोई भी किसी भी परिवार पे, चाहे वो दलित हो या कोई भी हो, अत्याचार नहीं कर सकता, उनकी FIR भी लिखी जाती है और त्वरित कार्रवाई भी होती है। हम डेवलपमेंट का मुद्दा एक अलग है, लेकिन जैसा अभी महोदय ने कहा, मैं नाम मुझे कंटस्ट नहीं है इनका, दिलीप यशवर्धन जी हैं हमारे साथ, जी जी, उन्होंने उन्होंने जो कहा, उन्होंने पहली बात जो कही बिल्कुल सही की है, कि जो भी हमारे महापुरुष हैं और हम उनको जाति से ऊपर उठ के देखते हैं, हमारे लिए वो जातिगत समीकरण में नहीं आते हैं, चाहे वो बाबा साहब हो, चाहे वो पटेल जी हो, चाहे वो गांधी जी हो, चाहे वो बोस हो, चाहे वो भगत सिंह हो, या जो लोग भी इस देश के लिए अच्छा करके गए हैं, हम उनको जातिगत साचे में नहीं ढालते हैं। उनको जो, अगर उनकी मूर्ति बना के एक प्रतीकात्मक तौर पे उनको हम सम्मान देना चाहते हैं, तो उसमें मुझे लगता है कि किसी को भी कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन चुनाव नजदीक आते हैं, दूसरी बात आई कि जो पैसे खर्च होते हैं, तो देखिए डेवलपमेंट का काम जो है वो एक सतत प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चलती है। हमारी केंद्र की सरकार उठा लीजिए, आप उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार उठा लीजिए, आप 2014 से पहले पूर्वांचल में अपने किसी पत्रकार से पूछिए कि पूरे पूर्वांचल में कहीं घूम के वो देख लें, 2014 से पहले तो कहीं एक 4-लेन की सड़क उनको नहीं दिखती थी, आज उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ पे हमने 4-लेन की सड़क नहीं पहुंचाई हो। राजेश प्रजापति जी, क्या आप इस बात से सहमत हैं? राजेश जी, हमारे साथ सामाजिक चिंतक राजेश प्रजापति जुड़े हुए, मैं उनसे पूछता हूं, क्या आप इस बात से सहमत हैं? शिवम जी, माननीय कांसीराम जी ने कहा था जी, बदले की भावना से नहीं, बदलाव की भावना से काम करो। जब मैं देखता हूं कि उत्तर प्रदेश की, अगर मैं कांग्रेस के जाने के बाद के उत्तर प्रदेश की अगर मैं राजनीति पे बात करूं शिवम जी, क्योंकि मेरा उम्र भी वही है, ज्यादातर परिवेश भी वैसा ही देखा मैंने, तो जो मेरी समझ रही है, उत्तर प्रदेश बहुत दिनों से समाजवाद की प्रयोगशाला बना रहा, समाजवाद के नाम पे जो लोग सत्ता की सीढ़ियों पे चढ़ के आए वो लोग वंशवाद का शिकार हो गए। तो जो कांग्रेस का वंशवाद और समाजवाद था वो दोनों कंबाइंड हो गए हमारे यहाँ वंशवाद और समाजवाद में, और उसकी एक झलक आपको जो दोनों समाजवादी पार्टियां हैं, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, इनमें दिखती है। दूसरी सत्यता शिवम जी ये है कि हम जाति को उत्तर प्रदेश में, बिहार में, हिंदी हार्टलैंड स्पीकिंग जो स्टेट्स हैं उसमें नकार नहीं सकते, जातिगत अव्यवस्थाएं हैं, लेकिन इन सब के बीच दो चीज़ें हैं शिवम जी जो मुझे बहुत तकलीफ देती हैं जी। पहला, जो हमारा अर्बन स्ट्रक्चर है, जो हमारा नगरीय क्षेत्र है, उसमें एक अलग व्यथा है जाति की, और जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, जो ग्रामीण भारत है, उसमें एक अलग व्यथा है। अल्टीमेटली जो मुझे समझ में आता है, अभी जो कोरोना की हमने विनाश लीला देखी उसमें भी जो मुझे समझ में आया कि जाति से भी ज़्यादा जो मूल विषय है वो है गरीबी और अज्ञानता। गरीब जो, जैसे मैं बोलूँगा, दुनिया में सिर्फ दो प्रकार की जातियाँ होती हैं, अमीर और गरीब। जो गरीब होता है वो बेचारा हमेशा परेशान होता है, हमेशा मलता है, उसको सुविधाएं नहीं मिलती, चाहे वो सवर्ण गरीब हो, चाहे वो अन्य पिछड़ा वर्ग से आए या SC ST कम्युनिटीज से आए,
लेकिन अगर आप देखेंगे इन जनरल जो रहनुमा रहे हैं, जैसे एक जैसे मैं बोलूंगा तुष्टीकरण की राजनीति, जिसका हम लोग शब्द जिस शब्द का बहुत गलत इस्तेमाल करते हैं, तुष्टीकरण का सिर्फ एक धर्म विशेष के लोगों का तुष्टीकरण नहीं होता है, हर एक जाति विशेष के लोगों का तुष्टीकरण, क्योंकि आपको पता है कि आपको इलेक्शन जीतने के लिए 100% वोट नहीं चाहिए होते हैं, आपको सिर्फ 25-30% वोट आपको मिल जाएं, आपकी सरकार बन जाएगी, जैसे MSY फार्मूला था पहले। उसके बाद पिछड़े वर्गों में आप देखिए कितने पिछड़े वर्गों का विकास हुआ। मैं पिछड़े वर्ग की कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, क्रीमी लेयर की एक अलग से अवधारणा बनाई गई है, लेकिन जब मैं देखता हूँ कि क्रीमी लेयर की अवधारणा शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार से काम करनी चाहिए, तो बहुत सारी विसंगतियाँ हैं। तो तथ्य परक जो हमारे पास जो मूल बात निकल के आती है शिवम जी, कि हम अभी भी अज्ञान हैं, क्योंकि हमें अपनी जो जाति व्यवस्था है इससे लड़ना नहीं आता, हमारे पास कोई डाटा नहीं है, हमारे कोई पास कोई सेंसस का डाटा पब्लिक नहीं है कि किस जाति की कितनी संख्या है, उस जाति के कितने लोग उच्च पदों पे हैं, क्लास वन में हैं, क्लास टू में हैं, जुडिशरी में हैं, पब्लिक सर्विसेज में हैं, उसके बेसिस पे हम जात का क्लासिफिकेशन करें। देखिए जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो बहुत पुराना है, ओल्ड एज हो चुका है। सरकार को चाहिए एक जातिगत जनगणना कराए, उसके जो आंकड़े हैं उनको सार्वजनिक करे और उसके बेसिस पे जो जाति व्यवस्था है उसका पुनर्गठन करे। एक अलग मुद्दा है ये जो सरकार अभी कर रही है शिवम जी, इसको मैं सिर्फ तुष्टीकरण कहूंगा। बाबा साहब अगर स्वयं होते तो अपनी 25 फीट की 45 करोड़ की प्रतिमा से प्रसन्न नहीं होते, अगर उतने पैसों की उनकी किताबें बना दी जाती। हालांकि पुस्तकालय बन रहा है, ये जो प्लान है ऐशबाग में लखनऊ में उसमें पुस्तकालय है, लेकिन मुझे लगता है बाबा साहब अपने लिए एक बड़ी मूर्ति से ज़्यादा और ज़्यादा पुस्तकें पसंद करते, या गरीबों के लिए और ज़्यादा पढ़ने की व्यवस्थाओं को पसंद करते। शिवम जी आखिरी बात कहना चाहूँगा, एकलव्य विद्यालय करके एक योजना आई थी मोदी जी की करीब 2 साल पहले बजट में जी, एकलव्य योजना थी, आप चाहेंगे देखेंगे, उसी साल आयुष्मान भारत योजना भी लागू हुई थी। आप अगर उठा के देखेंगे किस तरह से एकलव्य योजना में कितना काम हुआ है और उस योजना का अभी प्रेजेंट स्टेटस क्या है, तो सरकार की कथनी और करनी में अंतर समझ में आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि सरकार को चाहिए कि प्रतीकात्मक तरीके से नहीं, वास्तविक तरीके से काम करे, ताकि जो हमारे को जो पूरे देश में जो जैसे हम बोलते हैं सामाजिक न्याय, वो सामाजिक न्याय मिले, लोगों को शिक्षा के अवसर मिले और लोग इस तरह से बीमारियों से और ऑक्सीजन की कमी से मरने के लिए मजबूर ना रहें। जी आकाश राय जी, ये एक बड़ा सवाल है कि आज की तारीख में अगर हम नज़र डालते हैं तो ये हर ओर नज़र आता है कि राजनीति सिर्फ प्रतीकात्मक तौर पर की जा रही है, समाज के विकास की अगर बात की जाए तो हम आज भी उसी दौर में जी रहे हैं जिस दौर में हमारा देश आज़ादी के ठीक बाद था। आज भी कमोवेश गांव की तस्वीरें कुछ वैसी ही दिखाई पड़ती हैं। नहीं, मैं आपकी बात सहमत इसलिए नहीं हूँ कि मैं भी गांव से ही आता हूँ और बहुत बड़ा परिवर्तन है, बहुत बड़ा। मेरी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं 1989 में पैदा हुआ, लेकिन हमने 90 का दशक देखा है और उसके पहले का भी, उसके बाद का जो सन 2000 के बाद की जो स्थितियां हैं, एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। और खास करके जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई, तब से जो है ये परिवर्तन मुख्य रूप से दिखना शुरू हो गया और गांव-गांव तक हमने विकास पहुंचाया, हमने सड़कें पहुंचाई, हमने लोगों को आवास दिए, बिजली पहुंचाई। आप सोचिए कि जिन लोगों को शौच के लिए, आप आजादी के 70 सालों के बाद जिन लोगों को शौच के लिए सड़कों पे जाना पड़ता था, खेतों में जाना पड़ता था, बरसात के समय में कितनी समस्याएं आती थी। आकाश राय जी, अगर ODF की बात की जाए, आपके कई जिले ऐसे हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के गृह जनपद गोरखपुर की अगर बात करूं तो वहां का भी डेटा मेरे पास है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में आज भी वहां पर जो जगह ODF घोषित की गई, वहां पर कई सारे ऐसे शौचालय हैं जो कार्य में नहीं है, जिन पर आज दिन तक किसी ने ध्यान नहीं दिया और वो जगह, वो जिले ODF घोषित कर दिए गए। नहीं, निश्चित तौर पे आपकी बात से मैं इसमें सहमत हूँ, क्योंकि आप गोरखपुर के, मैं भी मऊ का हूँ और मैंने भी गोरखपुर से पढ़ाई की है, जुबली इंटर कॉलेज का मैं छात्र रहा हूँ, तो मैं भी क्षेत्र में रहता हूँ, देखता हूँ। ये बात आपकी सही है कि बहुत सारे ऐसे गांव है जो ODF घोषित हो गए लेकिन वहां पे खुले में शौच में लोग जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें अवेयरनेस की कमी है। उसके लिए भी सरकार लगातार प्रयास कर रही है, स्लोगन्स के माध्यम से या अन्य तरीके से लोगों को जागरूक करने का। लोगों को शौचालय बना के दिया जाता है, लोग उसमें अपनी भूसा कोई
रख दे रहा है, कोई जो है अपने कंधे रख दे रहा है, तो इन सब चीजों में कहीं ना कहीं अवेयरनेस की भी कमी है। बहुत सारे ऐसे अभी वृद्ध लोग हैं जिनके घरों में शौचालय बना है, लेकिन उनके परिवार के जो नई पीढ़ियां वो शौचालय का प्रयोग करती है, लेकिन वो नहीं जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अब मेरी आदत नहीं है, मैं इसमें नहीं बैठ सकता। तो बहुत सारी समस्याएं हैं और उनपे समाज का भी सहयोग चाहिए होता है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी या सरकार पूरे समाज को नहीं सुधार सकती, हम शौचालय बना के दे सकते हैं, लेकिन अगर कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी है तो उसमें हमें बहुत सारे एनजीओ भी हमारा सहयोग करते हैं, समाज के लोग सहयोग करते हैं और विपक्ष की पार्टियों को भी। चलिए, तो आप मान रहे हैं कि वाकई में जो कमियां हैं वो साफ तौर पर नजर आ रही हैं और कमियां हुई हैं सरकार से? नहीं, मैं देखिए, सरकार के तौर पे कमी होती तो मैं उसको मानता। हम अगर आपको शौचालय अगर आपके पास नहीं, हमने आपको शौचालय बना के दे दिया और आप शौचालय में जो है आकाश राय जी, उसकी मॉनिटरिंग करना भी शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी है, उसकी मॉनिटरिंग करना। आप अंत्योदय की बात करते हैं, समाज के अंतिम व्यक्ति तक अपना अपनी योजना पहुंचाने की बात करते हैं, तो ये जिम्मेदारी भी आप ही की है कि आप उस चीज को मॉनिटर करें। बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी और हम उस जिम्मेदारी को मानते हैं और उसको उस जिम्मेदारी को मान के हम उस पर काम भी कर रहे हैं। हमारा ये साफ मानना है कि अगर हम आखिर ये स्लोगन लिखवाने के लिए सरकार क्यों पैसे खर्च करती है, सिर्फ इसलिए कि लोगों को अवेयर किया जाए, लोगों में जागरूकता है कि नहीं इस चीज का प्रयोग होना चाहिए, इससे बीमारियां फैलती हैं, अन्य प्रकार की समस्याएं आती हैं महिलाओं। चलिए, इस तरह की तमाम चीजें हैं। दिलीप जी, अभी राजेश जी ने एक बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि आरक्षण को लेकर भी उन्होंने बात कही कि आरक्षण को लेकर तमाम पार्टियां अपने अपनी तरह से बात कहती हैं, लेकिन आरक्षण क्या वाकई में इतना बड़ा मुद्दा है या ये सिर्फ वोट बैंक की चाबी है? शिवम जी, भारत जो देश है, इस देश की आरक्षण एक जरूरत है, लेकिन आरक्षण जातिगत है इस बात का मैं सख्त खिलाफत करता हूं। आरक्षण इस देश की जरूरत मैं मानता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो निचली स्तर के हैं, उस निचली स्तर में जाति के विशेष जाति के लोग नहीं है या किसी जाति विशेष के लोग नहीं है, उसमें सब लोग हैं, गांव के भी हैं, शहर के भी हैं, अनबर भी, अर्बन भी है, अनअर्बन भी है, तो उनको विशेष सुविधाएं मिलनी चाहिए ताकि वो देश की मुख्यधारा से जुड़ सकें। वो मुख्यधारा से जुड़ने का जो स्रोत है उसको जातिगत कर दिया गया। ये जातिगत रिजर्वेशन का मैं सख्त खिलाफ हूं। मेरे बगल में राजेश जी बैठे हैं, मेरी बात का बुरा ना माने, व्यक्तिगत ना लें इस बात को। मैं किसी जाति को रिजर्वेशन देने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं रहता हूं। मैं ये कहता हूं कि इस भारतीय, अगर मैं संविधान के सामाजिक सिद्धांतों की बात करूं, तो संविधान ये कहता है कि इस देश के हर संसाधन पर हर जरूरतमंद का हक है, उसमें कहीं भी जातिगत की बात नहीं होनी चाहिए। अगर मैं सवर्ण हूं, मैं गरीब हूं, मेरे पास संसाधन नहीं है, मैं भी गांव में रहता हूं, तो मुझे वो सुविधाएं क्यों नहीं मिलनी चाहिए? मेरे बगल में घर है जो निचली जाति का है, ओबीसी है, उसको वो सारी सुविधाएं मिल रही हैं, मैं उन सुविधाओं से वंचित हूं। क्यों? क्योंकि मैं सवर्ण हूं, वो निचली जाति का है। तो ये जातिगत डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए, रिजर्वेशन होना चाहिए और रिजर्वेशन में भी प्राथमिकताएं होनी चाहिए कि अगर इनको सुविधाएं नहीं है तो इनको सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। ये जो मूर्तियां लगा लगा के लोग पैसा खर्चा करते हैं, इसके पीछे सबसे ज्यादा जानते हैं शिवम जी कौन पिसता है? सबसे ज्यादा पिसता है जो मध्यम वर्ग के टैक्स पेयर है। बिल्कुल, उसको कुछ नहीं मिलता है, वो सिर्फ टैक्स देता है, डायरेक्ट टैक्स देता है, इनडायरेक्ट टैक्स देता है और सरकारी सुविधाओं के नाम पर जीरो मिलता है, उसको कुछ भी नहीं मिलता है और हमारे टैक्स का इस तरीके से वेस्ट किया जाता है जाति के नाम पे, जाति के नाम पे और डेवलपमेंट के नाम पर। आप ये बताइए, अगर किसी की मूर्ति लगा देने से किसी की आइडियोलॉजी समाज में फैल जाती तो गांधी जी क्या करप्शन के खिलाफ, करप्शन के फेवर में थे? हर नोट पर गांधी जी की मूर्ति लगी हुई है और करप्शन सबसे ज्यादा होता है। कोई ऐसा सरकारी विभाग नहीं है जहां पर आदरणीय राष्ट्रपति जी की, गांधी जी की, प्रधानमंत्री जी की और प्रदेशों में मुख्यमंत्री की फोटो न लगी हो और उन्हीं की फोटो के नीचे सारी घूसखोरी होती है। तो क्या फोटो लगा देने से किसी की आइडियोलॉजी पहुंच जाती है? और अभी जो भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि गांव-गांव में इन्होंने लिखवा दिया है, क्या लिख देने से आदमी समझ जाएगा? स्लोगन तो लिखाए जाते हैं क्योंकि वो एक सरकारी प्रक्रिया है, सरकारी खाना पूर्ति है, फाइलों को भरना है, आपको आंकड़े दिखाने हैं। राजनीतिक पार्टियां जिस दिन आंकड़ों से निकल के वास्तविकता पे चलना शुरू कर देंगी, उस दिन इस देश में डेवलपमेंट हो जाएगा। और इन्होंने ये स्वीकार किया कि जागरूकता की कमी है, तो महानुभव जागरूकता कौन फैलाएगा? उस जागरूकता के ना होने का मूल कारण क्या है? शिक्षा। आप शिक्षा पे ध्यान देते हैं? ये जो पैसा लगाते हैं आप मूर्तियों के ऊपर और जातिगत समीकरण साधने के ऊपर, इससे आप शिक्षा का डेवलपमेंट कर दीजिए, शिक्षा का स्तर सुधार दीजिए। आप क्या करेंगे? मिड डे मील दे देंगे? हम साहब बच्चों को लुभाने के लिए हम खाना दे रहे हैं तो बच्चे खाना खाने आते हैं, पढ़ने थोड़ी आते हैं। आपने ड्रेस दे दी, आपने जूते दे दिए, आपने स्वेटर दे दिए, उसमें दुनिया भर के घोटाले हो गए। आपने शिक्षा नहीं दी,
आपने सुविधाएं तो दे दी, शिक्षा नहीं दी, जो मेन मेन पिलर है, जो बैकबोन है इस देश के डेवलपमेंट का, ये किसी भी देश के डेवलपमेंट का, वो शिक्षा है। आप शिक्षा दीजिए, यहाँ शिक्षा को प्राथमिकता ही नहीं है। जब संविधान की रचना करी गई थी 1947 में शिवम जी, तो शिक्षा को स्टेट लिस्ट में डाल दिया गया था कि राज्य अपने हिसाब से जैसे शिक्षा चलाना चाहे चलाएं। क्या ये सर्व जन हिताय की बात नहीं थी? अगर शिक्षा क्या हर आदमी की जरूरत नहीं थी? आपने इसको क्यों सेंट्रल लिस्ट में नहीं रखा? क्यों नहीं आपने इसको देश का एक मुद्दा बनाया? क्यों नहीं आपने शिक्षा में यूनिफॉर्मिटी लाई? कहीं यूपी बोर्ड चलता है, कहीं एमपी बोर्ड चलता है, कहीं आईसीएसई, ठीक है बोर्ड चलाइए, लेकिन शिक्षा में एक रूपता तो लाइए। ये शिक्षा इस देश की जरूरत है, इस देश के हर व्यक्ति की जरूरत है, उस पर खर्चा करिए, शिक्षा की मूर्तियां लगाइए। शिक्षा की मूर्तियां लगाइए का मतलब स्कूल खड़े करिए और शिक्षा पर ध्यान दीजिए, सुविधाओं पर मत ध्यान दीजिए। बिल्कुल, कपीश जी हमारे साथ जुड़े हुए लगातार, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। कपीश जी, अभी एक आरोप भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं आकाश राय जी, उनकी तरफ से लगाया गया कि जिस वक्त आपकी सरकार थी, आपकी सरकार में FIR तक नहीं दर्ज होती थी, आप उनके हितैषी होने की बात करते हैं। देखिए ऐसा है, वो तो आरोप लगाने की, सरकार इनकी है जी, और दलित बेटी 2:30 बजे रात में फूंक दी जाती है। क्या दलित बेटी हिंदू नहीं थी? क्या एक हिंदू हृदय सम्राट संत की सरकार नहीं चल रही थी? पत्रकारों को आंदोलन करना पड़ा घटनास्थल तक जाते जाते? क्या जबान नहीं काटी गई? क्या सीतापुर के अंदर जो दलित पर अत्याचार हुआ वो नहीं दिखाई दिया? मथुरा के अंदर जो हुआ, गोरखपुर के अंदर जो हुआ, जो लड़कियों से रेप, वो इनको नहीं दिखाई दिया? तो ये सब कहने वाली बात। और बड़ा है, ये हितैषी बन रहे थे कि इन्होंने ऑर्डिनेंस लाया और ये लाया वो लाया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप में। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, कार्य रूप में परिणित कीजिए ना। कानून तो बहुत कुछ बना हुआ, दहेज प्रतिषेध कानून बना हुआ है, क्या दहेज नहीं चलता है? तो बहुत सी चीजें हैं, वक्त काल परिस्थितियों पर निर्भर करता है। मैं तो एक चीज कहना चाहता हूँ कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो दो मरकुशों में लड़ाई लगवा करके अपनी रोटी सेकती है, छद्म हिंदुत्ववाद, छद्म राष्ट्रवाद के पीछे अपनी वोटों की राजनीति करती है। और जाते जाते 4.5 साल जब हो गए तो इन्होंने कोई सरकारी नौकरियों में तो निकाला नहीं। तो सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति पर तो आप भी आ गए हैं, कामतगिरी में, कामतगिरी चित्रकूट में, कामतगिरी की परिक्रमा इसी साल अखिलेश यादव करने पहुंचे थे। सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति और प्रतीकात्मक राजनीति पर तो आप भी उतारू हैं। नहीं, मैं आपको दो चीज कहूं जी, हमने कभी ये चीज नहीं कहा। हमने तो समता मूलक समाज की स्थापना के लिए ही एक समाजवादी पार्टी बनाई, और आप उस समय के पिलर्स भी उठा करके जो हमारे देख लें, उसमें सारे धर्म और जाति के लोग, मैं और सॉफ्ट हिंदुत्व क्या होता और हार्ड हिंदुत्व क्या होता? हिंदुत्व तो हमेशा हिंदुत्व है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको परिभाषित कर दिया कि हिंद कुश पर्वत के अंतर्गत जो जीवन शैली है उसको हिंदुत्व कहते हैं। शायद आप सनातनी कहना चाहे। मैं बहुत सीधी सी बात कह रहा हूं, कपीश श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। कपीश श्रीवास्तव एक सवर्ण समाज से आते हैं, चित्रगुप्त के वंशज हैं और सनातनी हैं। लेकिन हम अपनी चीजों को थोप नहीं सकते, मैं कतई नहीं थोप सकता, ना किसी धर्म पर ना किसी जाति। यशवर्धन जी ने इतनी अच्छी बातें रखी हैं और इतने अच्छे तरीके से रखी हैं कि मैं उनको साधुवाद देना, लेकिन उनकी सारी बातों से सहमत होते हुए सिर्फ एक बात पे असहमति देता। माननीय मित्र, आरक्षण जिस वजह से हुआ, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक, ये तीनों कहा गया। ऐसा नहीं कहा गया कि सिर्फ सामाजिक, सिर्फ राजनीतिक, सिर्फ आर्थिक। देखिए, सवर्णों ने इस देश पर राज किया है, हजारों हजारों वर्ष किया है, और हम सवर्ण में घर में पैदा हो गए तो इसका मतलब ये नहीं है, हमको भी न्याय करने की जरूरत है, समाजवादी सोच की जरूरत है। और क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि हमारे समाज के लोगों ने, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो और हमारे कायस्थ भाई हो, इन्होंने एक बड़ा मकाम हासिल कर रखा था पूरे देश के अंदर, प्राचीन काल से लेकर के आजादी के बाद तक और आज भी। लेकिन जो अस्पृश्यता का कानून आया वो भी हमारे ही लोग लेकर के आए,
हम ये नहीं कहते कि कोई दलित लेकर के आए, हम ही लोग लेकर के आए। राजा मोहन राम मोहन राय ने तमाम तरीके की चीजें की, क्या वो दलित थे? नहीं थे। विवेकानंद जी क्या दलित थे? नहीं थे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि देखिए इस एंगल से देखिए, आज भी मैला ढोने का काम कौन कर रहा है, आज भी पंचर लगाने का काम कौन कर रहा है? यानी कि आरक्षण तो हुआ, बाबा साहब ने दिया, लेकिन वो आरक्षण उस अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाया जहां पहुंचना चाहिए था, यानी प्रक्रियात्मक कुछ दोष रह गए और इस पर चर्चा होनी चाहिए। दिलीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं? कह रहा आर्थिक 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 रूप से भी आपने सवर्ण को मान लीजिए 10% देने की बात कही है और अन्य चीजों को भी आप दे रहे हैं, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन सरकारी नौकरियों में ना करेंगे आप। सरकारी नौकरी यशवर्धन जी निकल कह रही है, अब कौन सी आरक्षण की लड़ाई रह गई, कौन सी आरक्षण की लड़ाई रह गई? आपकी बात हमको यशवर्धन जी ये बहुत अच्छी लगी कि शिक्षा के क्षेत्र में होना चाहिए था, क्योंकि शिक्षा अगर हमारे दलितों में, हमारे पिछड़े वर्गों में, हमारे अल्पसंख्यकों में पहुंचती है, अवेयरनेस की चीजें पहुंचती हैं, तो आज वो कंधे से कंधा मिला करके भारत को उठा रहे हो। और कहीं ना कहीं हमारा कमी है, इसलिए हम लोग आज हमारे बच्चे 90% बिल्कुल कहीं ना कहीं जो कमी है वो बिल्कुल रही है और उस कमी को सुधारने की जिम्मेदारी भी हमारे नेताओं की है। दिलीप यशवर्धन जी कुछ कहना चाह रहे थे, मैं उनसे उनके पास जाना चाहूँगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि रिजर्वेशन सामाजिक उत्थान के लिए ज़रूरी है, मैं इस बात का समर्थक हूँ, लेकिन वो रिजर्वेशन जातिगत हो मैं इस बात की सख्त खिलाफत करता हूँ। और अभी जो कपीस जी ने कहा कि मैला ढोने का काम सिर्फ निचली जाति के लोग करते हैं, एकदम गलत है। आज सरकारी विभागों में चले जाइए, नगर निगम में चले जाइए, उच्च जाति के लोग भी नालियां साफ कर रहे हैं। तो ये और संसाधनों की कमी उच्च जातियों को भी है। आज अगर नौकरी नहीं है सरकारी, तो उसकी कमी निचली जाति के लोगों को भी है और उच्च जाति के लोगों को भी है। संसाधनों की कमी है तो वो सबके लिए है। गांव में अगर कोई चीज असुविधा है तो उसका भुगतान हर आदमी भुगत रहा है। अगर शहर में किसी चीज की कमी है तो उस कमी का भुगतान हर आदमी भुगत रहा है। यहाँ सवर्ण और ओबीसी और एससी एसटी से मतलब नहीं है। अगर ये महामारी आई थी तो किसी जाति को देख करके नहीं आई थी। ऑक्सीजन की कमी अगर खली तो सबको खली, आदमी मरा तो सबके घर पे मरा। तो ऐसा कहीं नहीं है। सरकारी विभागों में जाकर के देख लीजिए, बहुत सारी उच्च जाति के लोग आज नाली साफ करने का काम कर रहे हैं, नगर निगम में चपरासी की नौकरी कर रहे हैं और हर विभाग में चपरासी की नौकरी कर रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, चाय पिला रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। देखिए मेरा यह कहना है कि जिनको संसाधनों की कमी हो उनको रिजर्वेशन, उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो चाहे किसी भी जाति का हो। बिल्कुल राजेश जी, क्योंकि आपका उद्देश्य देश का डेवलपमेंट है, जाति का डेवलपमेंट नहीं है। जी बताइए कभी। मैं एक मिनट में इनका जवाब जी। देखिए मैं भी नगर निगम क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ और सौभाग्य से हमारे सारे मित्र लगता है लगभग सभी गोरखपुर से जुड़े। मैं गोरखपुर में ही पैदा हुआ, गोरखपुर में ही आज भी एक क्रिमिनल साइड की प्रैक्टिस करता हूँ मैं अधिवक्ता। नगर निगम से भी मैं बहुत जुड़ा हूँ। जितनी भी नौकरियां पाई गई है यहाँ से, अगर 2-3% सवर्ण क्लास के लोगों ने भी अगर स्वीपर में अगर नौकरी प्राप्त की है तो आपको बता दूं सिर्फ हाजिरी लगाते और मौके पे नहीं होते, कभी आप नहीं पाएंगे। एक यहाँ पर बकायदा उसकी चली थी जिसपे सस्पेंड किए गए थे, सस्पेंड किए गए। नहीं सुन तो लें। और मैं भी आपको एक चीज की गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो दलित महिला ढो रहा है या अल्पसंख्यक महिला ढो रहा है या पिछड़े वर्ग का कोई दबा कुचला व्यक्ति महिला ढो रहा है, आप उसकी अगर आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से अगर आप प्रतिष्ठा पता करेंगे तो आप ये पा लेंगे कि उससे कहीं दबी हुई किसी गरीब की प्रतिष्ठा नहीं है कपीर जी, चाहे वो एससी एसटी का हो, चाहे जो और जो एससी एसटी का अधिकारी और जज बैठा है, सवर्ण क्लास का आज उसका पैर छूता है जाकर के, ठाकुर पंडित उसका पैर छूता है जाकर के, आप क्या बात कर रहे हैं? सरकारी आईएएस बैठा है, जज बैठा है, कोई ठाकुर पंडित हो जाके पैर छूता है अपना काम कराने के लिए? यहाँ आज देखिए, आज जाति से कुछ नहीं चल रहा है। आप किस पद पे बैठे हैं, आपकी औकात कितनी है, इससे आपका असेसमेंट होता है और किसी चीज से नहीं होता है। इस बात को यशवर्धन जी मान लीजिए, अस्पृश्यता हम लोगों ने नहीं देखी है। वो ऐसा है कपीश भाई, वो समय तब था और आज के समय में बात करिए, वो जमाने लग गए। पुरानी चीजों को मत ढोइए, पुरानी चीजों को मत ढोइए, स्वीकार करना चाहिए इस हकीकत को, आपको स्वीकार करना चाहिए। ना सब स्वीकार है, लेकिन समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती है।
जिसको हाथ में डफली और थाली पीटने के लिए पकड़ाई गई। अगर आप इतिहास के छात्र होंगे तो पढ़ लीजिएगा। अरे इतिहास खत्म हो गया भैया, इतिहास बीत गया, आज की बात करिए, 2021 की बात करिए ना। अपना अब अनटचेबिलिटी नहीं है। हजारों साल जिनके डीएनए को कुचला गया है, अगर आज 50 साल केवल तकलीफ हमारे आपके बच्चों को सहनी पड़ रही है, तो आप कितनी पीड़ा है आपको और कितनी पीड़ा हमको है, हम स्वभाव की रूप में समझ सकते हैं। कबीर जी, इतनी पीड़ा आप गलती से देंगे, पीड़ा आपको महसूस हो रही है, अगर उतना काम सरकारों ने कर दिया होता तो शायद आज ये दिन देखना ना पड़ता। राजेश जी, हमारे पास समय कम है, हम राजेश जी के पास जाना चाहेंगे। और राजेश जी, अभी समय की कमी के कारण मैं अपने समाजवादी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कपीर श्रीवास्तव जी को रोकना चाहूंगा। राजेश जी, आपसे एक सवाल है। समाज में आप तमाम तरह की चीजें देखते हैं और लगातार जो राजनीतिक परिदृश्य जो बनता हुआ नजर आ रहा है उस पे भी आपकी नजर रहती है। इस बार मायावती ने ये ऐलान किया है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी जी। फायदा किस पार्टी का होगा? फायदा जाहिर सी बात है बीजेपी का होगा, जाहिर सी बात है। शिवम जी, देखिए जो अभी ये पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है जी, ये बहुत ही खराब है। जिस प्रकार से कोरोना वायरस के नए म्यूटेंट स्ट्रेन आ रहे हैं, आज नहीं तो कल हो सकता है 2-3 महीने में थर्ड वेव आनी बहुत पॉसिबल है जी। मुझे लगता है शिवम जी, इस पॉलिटिकल ड्रामे को यहीं पे खत्म किया जाना चाहिए। और यूपी में कम से कम 18 महीने के लिए जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, सेम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को अभी 18 महीने का और समय दिया जाना चाहिए। और जो मैं कपीर जी से कहना चाहूँगा, अगर एक ऐसा कुछ सिस्टम बने जिसमें जो स्वास्थ्य मंत्री का पद है वो समाजवादी पार्टी ले ले, एक कोलिशन गवर्नमेंट जिसे बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारा सिस्टम, देखिए सर, मौत ये नहीं पूछ के आती है आप किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं। गरीबी, जो गरीब है उसका न्याय पाना भी मुश्किल है, उसका ऑक्सीजन खरीदना भी मुश्किल है, तो उसका मरना तय है। तो जिस हिसाब से हमने देखा है, और किसकी लाशें बही हैं गंगा में, किसने बहाया है, किस धर्म के लोग गंगा में बहे थे? सनातन धर्म के लोग बहे थे। और जिसकी लाशें गई हैं वो कोई अमीर आदमी नहीं रहा होगा, किसी ने मजबूरी में किया होगा। सर, आप लोग इतनी मजबूरी देख चुके हैं, और आपने अभी जो आपका चुनाव था उसकी वजह से शिक्षकों की इतनी ज़्यादा मौत हुई, वो सब देख चुके हैं। क्यों इस पॉलिटिकल सर्कस को शुरू कर रहे हैं? 18 महीने के लिए जो गवर्नमेंट, उसको काम करने दीजिए, आप सरकार का हिस्सा बनिए, और उसके बाद 18 महीने बाद आप देख लीजिएगा। पूरी बात सुन लीजिए, 18 महीने दीजिए, राष्ट्रपति शासन लगाइए, ये समय नहीं है चुनाव का। राजेश जी, जब इतना कोरोना चरम पर था, उस वक्त पंचायत चुनाव करा दिए गए, पंचायत चुनाव करा दिए गए, अब ये चुनाव कौन सा बड़ा, वही तो हो जाएंगे। वही तो राजनीतिक समझ की कमी है सर। शिक्षा और स्वास्थ्य और जो हमें न्याय का अधिकार है, चलिए अब हमारे पास सबको समान मिलना चाहिए। फाइनल कमेंट राजेश जी, फाइनल कमेंट ये, मेरे हिसाब से चुनाव नहीं होने चाहिए, 18 महीने तक यही सरकार चलनी चाहिए, कोलिशन गवर्नमेंट चलनी चाहिए। दिलीप जी, शिवम जी, राजनीति हमेशा सामाजिक सिद्धांतों पर टिकी होनी चाहिए, लेकिन अब राजनीति का चश्मा अलग हो गया और समाज का चश्मा, सामाजिकता का चश्मा कहीं है ही नहीं, किसी राजनीतिक पार्टी के पास नहीं है। कपीश जी, देखिए बहुत सीधी सी बात है, हम लोगों को सारे डिबेट्स और सारे कार्यकलाप संवैधानिक दायरे में रह करके करने चाहिए, और जो चीज संभव हो सके उसी की डिमांड रखनी चाहिए। मैं इतना जरूर कहूंगा कि मूर्ति से कोई डेवलपमेंट किसी भी वर्ग का नहीं होता, ना कोई व्यक्ति महान होता है, उसका व्यक्तित्व महान होता है तो लोग बड़ी बड़ी मूर्तियां बना देते हैं। इसलिए इस राजनीति में ना देश को फंसना चाहिए ना प्रदेश को। आकाश जी, मूर्ति से डेवलपमेंट नहीं होता है, फाइनल कमेंट। नहीं, निश्चित तौर पर मूर्ति से डेवलपमेंट नहीं होता है, ये बात मैं भी मानता हूँ। और डेवलपमेंट, मैंने जैसा पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी का मेन फोकस डेवलपमेंट ही है, वो एक अलग विषय है, लेकिन जो मूर्ति लगाने की प्रक्रिया है वो हम अपने महापुरुषों को अपने तरीके से अगर सम्मान देना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि किसी भी पार्टी को या किसी भी व्यक्ति को उसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किसी एक जाति के नहीं है, वो हम सबके हैं, क्योंकि उन्होंने जो काम किया वो इस देश के लिए काम किया है, इसलिए मुझे लगता है कि किसी को भी उसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, तो सम्मान के साथ समाज के विकास की भी अगर बात होगी तो ये बेहद बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ। और आज जिस तरह से परिस्थितियाँ देखने को मिल रही हैं, राजनीतिक परिदृश्य जो बन रहा है, उससे इतर अगर राजनीतिक पार्टियाँ हमारी समाज के विकास की अगर बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। फिलहाल आज की इस डिबेट में मेरे साथ बस इतना ही, आप देखते रहिए प्राइम टीवी।